सो गाइज, हम पहुंच गए चंदनवाड़ी और यहाँ से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। यहाँ पे आइस के लिए फेमस है, लेकिन स्नो के लिए अगर इतना ही है बर्फ। अभी तो फिलहाल बर्फ कम है, ये देखिए। शिवाय करके अंदर सो गया था। और यहाँ तक हम कार में आ सकते हैं, उसके बाद यहाँ से घोड़े में होती है अमरनाथ जी की यात्रा। सो ये है चंदनवाड़ी, ये भी पहलगाम का फेमस स्टॉप है। सभी का पहलगाम का नज़ारा देखिए आप। हम टैक्सी के लिए वेट कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। हम सब बैठ रहे हैं, ये नहीं हमारी टैक्सी आ गई। चलो अब हम सब बैठ रहे જો ઉપરથી કેવો આવે છે હે। हम चंदनवाड़ी में, ये देख लीजिए आप सभी। इस जगह की खासियत ये भी है कि यहाँ तक हम गाड़ी में आ सकते हैं, अमरनाथ यात्रा करनी हो उसके बाद यहाँ से घोड़े पे ही जाते हैं ना। ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है यहाँ की। ये लोकल मार्केट है। अमरनाथ जी की यात्रा यहीं से स्टार्ट होती है, देखिए जो बकरी के भागी भागी नाव से। तो गाइस यहाँ पे आइस है, थोड़ा बहुत आइस है यहाँ पे। वीडियो से गाइस भुट्टा सेक रहे लोग। हाँ शिवाय भुट्टा लिया, चलो रौनक। यहाँ पे सब कुछ है, पानी पूरी है, भेल है, सब कुछ है खाने का। अच्छे से भेल भुट्टा सेक रहे वो लोग। ये है चंदनवाड़ी, अच्छी जगह है। बर्फ हमने खेला, थोड़ा बर्फ लेके आते हैं। दो एक वापिस नहीं। सो गाइस ये है चंदनवाड़ी। अभी सुबह थोड़ा मूड में आया,
वरना फोटो खिंचवाने नहीं देता है। पानी पूरी नहीं खाना है। आपने कैसे मोड़ बनाई दी तारा माटे मरचा वगैरह नू ये कैरी मसाले वाली कैरी। अच्छा अच्छा ये है चना मसाला वो सब बेल बेल पूरी। अच्छा बेल पूरी है पानी पूरी है भैया के पास सब कुछ है। चंदनवाड़ी आओ तो भैया के पास जरूर खाना। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम सौरभ कुमार है मैडम। सौरभ कुमार कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से बढ़िया हमारे बाजू में से ही हो आप भी। कहाँ से मैडम? ये पापा लोग 40 साल से। बाप रे तो यहीं पे दादा लोग बचपन से या चंदनवाड़ी में। तो घर कहाँ पर होगा यहाँ से? ये गाँव है यहाँ पे चंदनवाड़ी में गांव है मतलब घर है? नहीं गांव में हम लोग का घर है। तो रोज अप डाउन करते हैं। मम्मी कहाँ पे आए हुए? कहाँ कहाँ हुआ है सुबह बताइए। कहाँ कहाँ हुआ है आप? कहाँ कहाँ हुआ है यहाँ पे? चल सुबह भाई आप तो कैसे आ गई? हमारे नहीं कॉफी मैचिंग मैचिंग वाले। शिवा क्या खा रहा है? मुस्कान कैसी आ गई? एक आपको हाथ खराब पे आना थी। हाथ खराब हो जाएगा। फाइव स्टार से हाथ खराब हो जाते हैं। पियेंगे कॉफी फिर हम जाएंगे बेता वैली। हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि बारिश थोड़ी थोड़ी आने लग गई है और निकलना पड़ेगा। देखिए बारिश जोर से आ सकती है। वैसे भी बूंदा बूंदी चालू हो गए। गाइस अभी हेयर स्टॉक बर्फ गिर रहे हैं। हम निकल गए चंदनवाड़ी से। हम जब भी निकलते बारिश ही आती है। कल भी हम यहाँ पहुँचे पहलगाम तो बारिश आ गई इसलिए भैया थोड़ा स्पीड चला रहे हैं। बाप रे क्या वेदर हो गया देखिए। देखिए गाइस यहाँ धूप आ रही है। अभी धूप आ रहा है। यह है बेताब वैली। आओ शिवाय शूटिंग दूसरा गाना तो वहाँ वहाँ से जाना पड़ता है घोड़े से सीधा वो जो नजर में आता है ना दूर से वो वाटरफॉल जैसा। हाँ, वहीं पे एक गाना वहाँ भी बना। अच्छा इसलिए फेमस हो गया ना मूवी के लिए। बेताब फिल्म का शूटिंग हुआ यहाँ पे। आओ शिवाय शिवाय आ जाओ। सो बेताब वैली बेताब मूवी की शूटिंग हुई है यहाँ से। आओ शिवाय। और गाइस वहाँ पे धूप आ रही है अभी थोड़ी देर पहले बारिश आ रही थी। सो गाइस हम चंदनवाड़ी और बेताब वैली से आ गए। एक्चुअली बारिश आने लग गई थी जब हम चंदनवाड़ी पहुंचे ना फिर रिटर्न में बेताब वैली तो फिर हम बारिश हो रही थी काफ़ी और फिर सब टायर्ड भी थे। हम लोग होटल रूम आ गए और फिर मैंने सब कितने सारे सॉक्स और दो पैंट मेरे और उन्होंने के ख़राब हो गए थे। सुबह इतना कीचड़ उड़ा था उसको ऐसे ही पैक करे वो हालत में नहीं था। प्लस हमको फिर से वो पैंट रीयूज़ करना है। हमने उसको काउंट किया था हमारे पूरे ये जर्नी में तो दो पैंट तो धो के और अभी बारिश थोड़ी आ रही थी यहाँ पर। हम पहलगाम होटल अपने वापस आ गए।
मतलब वो दो जगह, और सुबह गए थे जो हम मिनी स्विट्ज़रलैंड और वो एक दो प्लेसेस पे। सो अभी हम बस वही, मैंने दो जीन्स धोया मेरा और रौनक का, और दो तीन जोड़ी शिवाई की सॉक्स, एक दो जोड़ी मेरी रौनक की, सारी सॉक्स धोई। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए उसको ऊपर रख दिया। फिर अभी ये हीटर है यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, ये हीटर के नीचे सुखा दिए, ये दिख रहे होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे गर्म हवा आ रही है, सो मैंने क्या किया, यहाँ पे सब नीचे सुखा दिए, क्योंकि सूखना तो पॉसिबल नहीं है। धूप, अब तो शाम हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट रात, और सुबह हम चेकआउट करने वाले हैं। सुबह मतलब वही 11-12 तो बज जाएगा, आई थिंक 11 बज जाएगा। सो उस टाइम धूप आएगी, मैं जीन्स कैसे सूखेंगी पता नहीं, यहाँ पे विंडो से धूप आएगी, सोचती हूँ सुबह सुबह डाल दूँगी। अभी तो बाथरूम में ही वो रे, उसमें मैंने हैंगर में टांग के रख दिया कि जितना पानी है जड़ जाए। फिर रात को सोचूँ, यहाँ ये चेयर है, चेयर के ऊपर दोनों जींस को रख दूँगी ताकि थोड़ी सी हीटर की हवा आए। और अभी मैं सब अरेंज, थोड़ी देर में लाइट डाउन की, और अभी मैं बैग अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि कल हम लोग को जाना है, आई मीन चेकआउट करना है ये होटल से, दूसरे डेस्टिनेशन जाना है। और बस थोड़ी देर में हम डिनर के लिए जाएंगे, डिनर आपको बताऊँगी। शिवा अभी थोड़ा सा मंचिंग कर रहा है, सो बस उसके बाद हम लोग डिनर पे मिलते हैं। सो गाइज, हम डिनर के लिए आ गए। वेज मंचाओ सूप है, सैलेड है, अनियन, कर्ड, पिकल, पापड़ और कॉर्न, सॉल्ट एंड पेपर। आज कॉर्न कॉर्न वाला जाता है एकदम, है ना, इवन सैलेड भी कॉर्न वाला है। फिर बेबी कॉर्न चिल्ली, ये मेरा फेवरेट है बहुत, चिल्ली बेबी कॉर्न, चिल्ली बेबी कॉर्न, हाँ। फिर ये है वेज फ्राइड राइस, और है पनीर बटर मसाला, पनीर बटर मसाला है इसमें, बंद कर देते हैं इसको। फिर है स्टीम राइस, इसमें है स्टीम राइस, दाल तड़का, सब्जी मिलोनी, यह सब्जी मिलोनी, इसमें आई थिंक नान है, नान रोटी सब है। सो गाइस, इसमें है रसगुल्ला और शाही खीर।